तलका तो हाडा जेन की है। आंदे ने साडे साडे कोलों पुछना, असी कुरान और हदीस नू मद्देनजर रख दिया होया आने आ, मातम दा कुरान हदीस नाल ताल्लुक कोई नहीं। मैं कह जेड़ा करदा अकल अगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी मुखालफत करदा। हुण जिस तरीके नाल इन्हां नाल सवालो जवाब होए, पांच मरतबा इन्हां नाल बहस होई, ओदे तो बाद अंदर इन्हां साडे गऊ अंदर जाके तहरीफे कुरान दे उत्ते मदरस दिता और किस रिकॉर्ड कीती, साडा मौकफ सी खिलाफत दे मजमून ते साडे नाल बहस करन। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान सब कह दियो रजी अल्लाह ताला अनहुम। यार सारे कह दियो, सारे जरा मिलके कह दियो रजी अल्लाह ताला अनहुम। मैं कह इन्हां दी खिलाफत कुरान हदीस विचो तुसी साबित करो, असी हजरत अली दी खिलाफत साबित करांगे रजी अल्लाह ताला। जरा बुलंद आवाज ना पता लगे आले हदीस हजरत अली नु भी मानदे ने, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अनहुम। अक लगे आपस साहब असी खिलाफत दे मजमून ते बहस करने लई तैयार हां। सब तो पहले वेखो बुनियाद की है, साडी बुनियाद अहले हदीसां दी है कुरान और हदीस। तुसी अपना अकीदा बयान करो, तुहाडी बुनियाद की है। मैं कहा साडी भी कुरान। आंदे ने कुरान दे मुतलका सानू पहले दसो कि तुहाडा क्या कुरान ते यकीन और ईमान और अकीदा है भी है ते नहीं, जेड़ा मौजूदा कुरान है। मैं आके आके लगे खिलाफत ते बाद अंदर गल करांगे, जिस कुरान विचों दलीलां देनियां जे पहला ओदे नाल गल करो, मानदे हो ते नहीं, जे तुसी आंदे हो मानदे हो, तुहाडियां किताबां विचों असी साबित करने आ के तुसी इस कुरान नू मानदे नहीं। ओए मुसलमानो तवज्जो मेरी तरफ रवे, मैं चंद गल्ला करांगा इजाजत चाहांगा, लेकिन खुदा दी कसम चाह के आना, अगर मेरा बिरा मेरी एक एक गल ते तवज्जो करेगा। किसे भी इलाके अंदर चला जाए, किसे भी बस्ती अंदर चला जाए, किसे भी शहर अंदर चला जाए, किसे भी कबीले अंदर चला जाए, खुदा दी कसम चाह के आना, गल्ला जेन नल सुन लवे, जेन शी गल्ला कर लवेगा, कदी भी मुकाबले दे अंदर निकल जावे, अगर गल्ला याद रह जान गिया, उलमा नू सदन दिया जरूरत नहीं पैन गिया, मौलविया कोल जान दिया लोड़ा नहीं पैन गिया, खुद तुसी कुरान हदीस विचों जवाब देवोगे। ओए मुसलमानो जदों तारीफे कुरान दे मुतलका मैनू आख लगे हाफ़िज़ साहब, जाओ ना अपने खतीबा कोल जाओ, अपने मौलबिया कोल जाओ, अपने अकीबलिया कोल जाओ, उन्हां नू आखो सब तो पहले साडे नाल खिलाफत तो पहले कुरान ते बहसा करना। ओए मुसलमानो मैं किसण लई अपनिया मौलबिया कोल गया, ओए मुसलमान मानो केसट लई अपने किबलिया कोल गया, ओए मुसलमानो केसट लई अपने मुहद्दिस अपने मनादरा उस्तादां दे कोल गया, और जेड़े मदरसे अंदर पढ़िया कदी उस मदरसे दे अंदर गया, कदी किसे मौलवी दी जा कुंडी खड़काई, और कदी किसे मुदरस दी जा कुंडी खड़काई, और कदी किसे मदरसे अंदर दौड़ा लाइया। मैं उन्हां नूं आख लगा, मैं आख लगा किबला साहब हदीस नहीं होना चाहता, और मेरा अकीदा जेड़ा मसलक के शिया दे उते वे, और मैनू इस मसले ते तुसी आन के गल ते करो ना। आख लगे हाफ़िज़ साहब एक गल चा दसो, आंदे ने हिसाई जेड़े ने हिसाई कुरान नू मनदे ने ते नहीं। मैं क्या नहीं मनदे। आंदे ने साइयां दे नाल बहस करो कुरान विचों दलीलां पेश करनगे ते नहीं। मैं क्या करनगे, मैं क्या करनगे। आंदे ने साडे नाल गल करन, असी कुरान च हजरत अली दियां दलीलां पेश करांगे उन्हां दी फजीलत च, उन्हां दी खिलाफत च। मेरे ज़हन अंदर ख्याल आया, ओए हाफिज अमीन किथे जहलीयत च डुब गए, इन्हां दा भी अकीदा ईसाइयां वाला कुरान नूं मनना नहीं, कुरान चो दलीलां बतौरे अपने आप नूं सचियां करन वास्ते पेश करनियां ने। गल समझ अंदर बह गई। हज़रात हुण जिहड़े दूसरे मसैल ने मातम दा रोजा लेट खोलन दा, उहदे मुतलका तुहानूं मैं हवाले भी कुरान हदीस विचों देवांगा, जिहड़े दे के मुतमिन करदे ने ते उहनां दा मैं जवाब भी इंशाअल्लाह देवांगा। तवज्जो जरा तुसां करनी है,
ओए मुसलमानो सब तो पहले नंबर ते जेड़ी मेरी बहस होई ना मातम दा मसला मैं आके लगा हजरत साहब एक मसला दसो पहले नंबर ते मातम दी गल करना नाम ओए मुसलमानो आज खुदा दी कसम चा के नाम ओए मसले के आले हदीस कुरान हदीस विचो हक और सच बयान करके जावांगा और शिया दिया किताबा दे विचो मसले के आले हदीस हक और साबित करके जावांगा और क्योंकि मसले के आले हदीस नू और दोस्तों ते वीरों में एवं नहीं मान लिया क्योंकि किसे मसलक दी बुनियाद ना किसे खतीब रखी है किसे मसलक दी बुनियाद किसे इमाम रखी है किसे मसलक दी बुनियाद किसे आलम रखी है किसे मसलक दी बुनियाद किसे हाफिज रखी है किसे मसलक दी बुनियाद किसे मरसई रखी है किसे मसलक दी बुनियाद किसे मुफस्सिर रखी है किसे मसलक दी बुनियाद किसे मुहद्दिस रखी है किसे मसलक दी बुनियाद किसे मुफ्ती रखी है रब्बे मोहम्मदी कसम उठा के आना मसला कहले हदीस की बुनियाद अगर रखी है अर्श वाले खुदा ने रखी है कमली वाले मुस्तफा रखी है एडा सच्चा और सुच्चा मसलक ओए मुसलमानो मातम दी गल कर रहा मैं कह लगा हजरत साहब जे मातम करना ठीक कोई नहीं मैं एक गल दसो मुसलमानो मेरी किसे भी गल ते किसे नु एतराज होवे मैं बात अंदर भी पूछिया जे सौदा मेरे कोल नगा ते उधार कोई नहीं उधार करन दा आदी नहीं तुसा देखिया उन्हें दुकानदार अक्सर अपनी दुकान ते लेके लाया हुंदा उधार एक जंग है इसलिए बंद है अल्लाह ने जो नबी इब्राहिम नू बेटे दी खुशखबरी चा दिती नाम हजरत सारा जेड़िया ने उन्होंने की कम किया अफसोस विच आ गई उन्होंने अफसोस विच आ के कम की किया बस कतो अज हजरत सारा नबी दी बीवी होके जो बेटे दिया कुछ खबरियां दितिया नाम हजरत सारा रो रो के हजरत सारा आख लगिया अल्लाह मैं बुढ़ी हो गई हजरत सारा आख लगी अल्लाह मैं ज़ईफा हो गई अल्लाह मेरिया हड्डिया कमजोर हो गई ने हुन मैनू इस उमर च बेटा देवेगा मैं क्यों ना कम की किया कुरान पे आंदा वे पास कतो अज अपना चेहरा पिटिया हक लगे आपस साहब पहले नंबर ते लुगा दी किताब कड्डो एदा मैं ना पिटना नहीं बल्कि आपने अफसोस नाल अपने चेहरे ते हाथ रखे है जिस तरह अक्सर मुख्तलिफ इलाकियां दा माहौल है अपना अपना किसे ते परेशानी आवे परेशानी में चांदा हाय अल्लाह किसे दा कोई तरीका है किसे दा कोई तरीका है मुसलमानो आख लगे वेखो अम्मा जी सारा जेड़िया ने उन्हें अपने चेहरे ते अफसोस नाल हाथ चा रखे आवे दूजे नंबर ते मैनू दसो ते सही मातम किदा कर दे मातम खुशी ते कीता जांदा या गमियां ते कीता जांदा मैं आख लगा हजरत साहब अगर मातम असी करने इमाम हुसैन दे गम विच करने आख लगे खुशी ते भी गम कर मातम कर दे मैं आख लगा हजरत साहब गल्ला केंज दिया कर दे कदी किसे खुशी ते भी मातम कीता बे आख लगे हाफ़िज़ साहब मातम फिर किदो करी दे मैं क्या मातम जिदो अफसोस होवे ते फिर करी दे अगर गम होवे ते ता कीता जांदा अगर मुसीबत होवे ते ता कीता जांदा आख लगे हाफ़िज़ साहब वेखो इत्थे तुसी गम चा वखाओ ना इत्थे अगर तुसी आख दे के अल्लाह दे नबी ने जश्न चा मनाया ते मनन विच गल आ जांदी इत्थे अल्लाह ने गमी नहीं बल्कि खुशी दिती है खुशी ते मातम हुंदा ही नहीं नहीं समझे हजरात मातम कीता जांदा गम ते मातम कीता जांदा मुसीबत ते मातम कीता जांदा मुसीबत ते लेकिन इत्थे मुसीबत नहीं इत्थे ते अल्लाह बेटे दी खुशखबरी दे रहे ने